हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा। अब बिल्कुल ही मतलब चांस ही नहीं है कि अब हरियाणा में डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट होगा 24 सेशन का, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे हो हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के टाइम पे फ्रेंड्स एडमिशन नहीं होगा तो कब होगा? क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पर जो है डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, कम्प्लीट भी हो गया, एडमिशन हो भी चुका है बहुत सारे स्टूडेंट का, लेकिन हरियाणा में नहीं हुआ है। तो आप रीज़न समझ लीजिए फ्रेंड्स, हरियाणा में क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं चाहती है, क्योंकि आपको पता है अगर वो इसलिए रोक रखा है ताकि स्टूडेंट करेंगे डीएलएड तो ऐसे में उन्हें वैकेंसी भी लाना पड़ेगा, वैकेंसी का उनके ऊपर जो है प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये रीज़न हो सकता है। बाकी तो हर स्टेट में हो ही रहा है, तो आप किसी अदर स्टेट से कर लो, ठीक ना। डीएलएड की मान्यता तो आपका रहेगा, जैसे दिल्ली में अदर स्टेट से स्टूडेंट कर सकते, यहाँ पर 15% सीटें रिजर्व है अदर स्टेट के लिए। यूपी से भी कर सकते हो आप, ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो रखा है तो यूपी में भी एलिजिबल है।